हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गर्ल ब्यूटी फिटनेस। फाइनली द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इज नाउ लाइव, हाउ टू स्टाइल योर हेयर विद 7-in-1 हेयर स्टाइलर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच पिछली वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को वो वीडियो इतनी पसंद आएगी कि मुझे नेक्स्ट पार्ट इसका बनाने पे मैं मजबूर हो जाऊंगी। इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है इसके नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, सो फाइनली आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो में लेके आ गई हूँ। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे आपने पिछली वाली वीडियो पे दिया था मुझे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है इसका तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपने देखा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग की थी इसकी, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं इसको किस तरह से अपने बालों में इससे स्टाइल बना सकते हैं ये मैं करके दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको ये एलेक्टा हेयर स्टाइलर 7-in-1 हेयर स्टाइलर, इसको आप अपने बालों में किस तरह से कर सकते हैं, इससे अपना हेयर स्टाइल किस तरह से बना सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ अपने ही बालों पर करके लाइव डेमो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका मेन यूनिट जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट वन देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि इसे आपको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको ये लगा के दिखाऊंगी, ये है ब्लो ब्रश। इससे आप कैसे अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। इसे फिट करने के लिए आपको ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर पुश करना है, और फिर इसको एक क्लिक साउंड आएगा, ये फिट हो जाएगा, और यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है इस तरह से। तो इस ब्लो ब्रश का काम है हेयर को स्ट्रेट करना, इससे आप अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इससे अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए मैं अपने बालों का एक छोटा सा सेक्शन लूंगी, और बाकी के बचे हुए पीछे के बालों को मैं क्लिप की मदद से क्लिप कर लूंगी। इसके बाद मैं अपने बालों को ब्रश की हेल्प से पहले डिटैंगल करूंगी। आप कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल बनाने लगें तो सबसे पहले ब्रश की हेल्प से अपने बालों को डिटैंगल कर लीजिए। अब मैं अपने बालों को इस तरह से स्ट्रेट पकड़ूंगी, और ऊपर की ओर से नीचे की तरफ लेते हुए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप किस तरह से। और ये वन स्वाइप में ही काफ़ी हद तक आपके बालों को स्ट्रेट कर देता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बालों को कम से कम 2 से 3 बार, जो भी आप सेक्शन लें उसमें 2 से 3 बार इसको अपने बालों पे करना है, तभी ये आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपको अपने बाल काफ़ी स्ट्रेट लगेंगे। और एक और बात का ख्याल रखिए हमेशा, जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करने लगें इससे, तो छोटे छोटे सेक्शन ही अपने बालों के लें। बहुत ज़्यादा बाल इस ब्रश में आप अगर डालेंगी तो ये ब्रश काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड्स में इसने मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए हैं। इससे आप अपने बालों को नीचे की ओर कर्व भी दे सकते हैं। तो इनवर्स कर्ल देने के लिए आपको इस तरह से ब्रश को अंदर की तरफ से लेना है, और नीचे जाते वक्त आपको अपने बालों को इस तरह फोल्ड करना है, और कुछ सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स आपको इस तरह रुकना है। और ये देखिए वन स्वाइप में ही कितना अच्छा कर्ल हो गया है, इनवर्स कर्ल। इसी तरह आउटवर्ड्स कर्ल देने के लिए भी आपको बाहर की तरफ ब्रश करना है, और नीचे की तरफ ले जाके आपको इसे फोल्ड करना है इस तरह से ऊपर की तरफ, तो आपके बहुत अच्छे आउटवर्ड्स कर्ल बन जाएंगे, ये देख सकती हैं आप इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा आउटवर्ड कर्ल बना है। ध्यान रहे कोई भी कर्ल बनाने के लिए आपको सेक्शन छोटे छोटे ही लेने हैं। तो ये देख सकती हैं आप कितना अच्छा इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही कर्ल आप इससे बना सकती हैं। नेक्स्ट है ये एडजस्टेबल रोलर ब्रश। इसे आप यहाँ से पुश करके इसे बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, और इसे छोटा कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से अपने बालों में सॉफ्ट कर्ल बना सकती हैं, और इससे आप छोटे और बड़े कर्ल्स भी बना सकती हैं। तो इस रोलर ब्रश से कर्ल करने का तरीका यह है कि आपको एक छोटा सा बालों का सेक्शन लेना है अपना,
और इसे इस तरह से ऑन करके सेंटर से आपको इसे पकड़ना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाना है और अंदर की तरफ ब्रश को रखना है। एंड आपको नीचे की तरफ मिडिल से आपको अपने बालों को रोल करना है इस तरह से, और ध्यान रहे कि सारे बाल आपके सेपरेट ही रोल हों, एक के ऊपर एक बालों को रोल नहीं करना है वरना आपके बाल इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि ये ब्रश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें सिर्फ कम कम बाल ही आप रोल कर सकती हैं, तभी आपके बहुत अच्छे कर्ल इससे आते हैं, बहुत ज़बरदस्त कर्ल आते हैं। मिडिल से ही करना है, बहुत जस्ट बहुत ऊपर से आपको कर्ल नहीं करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और एक से डेढ़ मिनट तक के लिए आपको इसे रखना है और बहुत अच्छे कर्ल्स आएंगे। सीधा रखना है, बिल्कुल भी इसे टेढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे टेढ़ा करेंगी तो ये आपके बालों को फंसा देगा। बिल्कुल स्ट्रेट रख के आपको डेढ़ मिनट तक, एक से डेढ़ मिनट रखना है, और इसके बाद देखिए स्ट्रेट रखते हुए आपको नीचे की ओर घुमा घुमा के खोलना है, और आप देख सकती हैं कि कितने अच्छे कितना ब्यूटीफुल कर्ल आए हैं। सी कितना ब्यूटीफुल कर्ल आया है, वाओ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कर्ल आया है इससे। मुझसे बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया है कि वो जब भी इस रोलर ब्रश से हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उनके बाल फंस जाते हैं। बिल्कुल फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्शन बालों का लेंगे और इसमें डालेंगे, फर्स्ट थिंग ये। दूसरी बात ये कि आप इसको सिर्फ मिडिल से ही रोल करें, आप अपने पूरे ऊपर से लेके नीचे तक बालों को रोल नहीं करना है आपको, वरना ये आपके बालों को फंसा देगा। तो ये टिप है, इसको ट्राई ज़रूर करें, और इतने प्यारे कर्ल आए हैं तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें। और इन सब में ये एडजस्टेबल रोलर ब्रश मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट कर्ल बनते हैं। नेक्स्ट है ये एयर आयरन, जिससे कि आप अपने बालों में मोटे और राउंड कर्ल दे सकते हैं। इससे आप थिक और थिन दोनों किस्म के कर्ल दे सकती हैं और इससे बहुत ही अच्छे कर्ल बनते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले भी मैं अपने बालों को डिटेंगल करूँगी और अपने बालों का एक मैंने छोटा सा पतला सेक्शन लिया है, इसे इस तरह से सेंटर से पकड़ के खोल के इसका जो रॉड है वो ऊपर की तरफ होगा और सेंटर से पकड़ के आपको मिडिल से, याद रहे कि मिडिल से ही आपको अपने बालों को फोल्ड करना है, बहुत ऊपर से नहीं, क्योंकि ये आपके स्काल्प को जला सकता है। इसकी हीट बहुत तेज़ होती है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी हीट बहुत तेज़ आती है, तो आपको इस तरह से पकड़ना है और डेढ़ मिनट तक के लिए आपको इसे रखना है, एक मिनट भी काफ़ी होता है। और यहाँ पे मैं कुछ गा रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्या गा रही हूँ, मैं भूल गई हूँ, आप बता सकते हैं, अगर गेस कर सकते हैं कि मैं क्या गा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या गा रही हूँ। तो एक से सवा मिनट हो गया है और इसे नीचे की तरफ करके इस तरह से आपको खोल लेना है, और वाओ कितना प्यारा कर्ल आया है। कर्ल करते समय हमेशा याद रखें कि कर्ल मिडिल से ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ऊपर से अगर आप कर्ल करेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो यही पसंद है, आई प्रिफर दिस। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे कर्ल आए हैं, ये टाइट कर्ल है, अगर आपको इसे लूज करना है तो उसके लिए भी अभी हम नेक्स्ट ब्रश यूज़ करेंगे जिसका काम इसी के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितने प्यारे कर्ल आए हैं, इसी तरह से आप अपने सारे बाल कर सकते हैं कर्ल। नाउ इसका काम आता है इसको यूज करने के बाद, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, थोड़े से लूज करने हैं, आपने इससे कर्ल्स किया उसके बाद आप इसको यूज कर सकती हैं अपने कर्ल्स को थोड़ा सा लूज करने के लिए और थोड़ा सा नेचुरल लुक लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो अब इस ओवल न्यूमेटिक ब्रश का काम आता है, तो जब आपको टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए होते हैं या आपको लूज कर्ल नेचुरल लुक देना होता है तो हमें अपने बालों को नेचुरल लुक देने के लिए इसे यूज़ करना होता है। तो पहले हॉट एयर आयरन से आपको अपने बाल कर्ल करने हैं, उसके बाद अंदर की तरफ से इसे इस तरह से यूज़ करना है। वन स्वाइप में ही ये आपको अच्छा खासा नेचुरल लुक दे देता है, ये देखिए कितना अच्छा नेचुरल सा लुक दे रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा करना है तो वन मोर टाइम आप इसे करके देख सकती हैं इस तरह से। मैं प्रिफर करती हूँ जस्ट वन स्वाइप में ही अच्छा खासा ये नेचुरल लुक देता है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो गया है, वाला।
तो इसी तरह बहुत ही इजीली आप अपने सारे बालों पे, पीछे के सारे बालों पे कर दे सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है ये वॉल्यूम लिफ्टर, जो कि काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इससे आपके बालों में काफ़ी वॉल्यूम आता है। ये आपके बालों को वॉल्यूम देने में मदद करता है और वाकई इससे बहुत अच्छे वॉल्यूम बन जाता है बालों में, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए आपको इसे ऑन करना है और अपने बालों के किसी भी हिस्से को आपको किधर भी आपको वॉल्यूम देना है, जहाँ पर भी आप वहाँ पे इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ और ये काफ़ी वॉल्यूम दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है और ये बहुत ही यूज़फुल ब्रश है जब आपको अपने बालों को वॉल्यूम देना होता है। अगर ये बैंग्स में बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपके बैंग्स हैं तो इसे आप यूज़ करिए, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में काफ़ी वॉल्यूम आ गया है, ये देखिए, तो ट्राई करिएगा ज़रूर। सो नेक्स्ट है ये राउंड ब्रश विद मेटल ट्यूब, ये भी आपके बालों को स्ट्रेट करता है और इससे आपके बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। तो बेसिकली ये राउंड ब्रश भी बालों को स्ट्रेट और रोल करने के लिए भी है, मगर मैं इससे आप अपने बाल रोल नहीं करती हूँ, स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेट और सिल्की स्मूथ बना देता है बालों को। और मैं अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से इस तरह कर रही हूँ, मिडिल में रख के आपको बालों को फोल्ड करना है, एक फोल्ड करना है और इस तरह से धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाना है, और ये बालों को बहुत स्ट्रेट और स्मूथ सिल्की बना देता है। तो ये इस काम में मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो गया है। एंड लास्ट है ये कंसेंट्रेटर, जो कि ब्लो ड्राई करने का काम करता है, आपके बालों को सुखाने का काम करता है। जस्ट इसको ऐसे फिट करना है और जब आपके बाल गीले हों, आप अपना हेयर स्टाइल बनाने वाली हों, उससे पहले जब आपके बाल गीले हों, तो इससे आप अपने बालों को सुखा सकती हैं। सो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी, और अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने बालों को घर बैठे इस 7-in-1 हेयर स्टाइलर से स्टाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई और यूज़फुल है तो इस वीडियो को अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो पिछली वीडियो में मैंने इस 7-in-1 हेयर स्टाइलर की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाई थी, और उस वीडियो में मैंने आपसे ये वादा भी किया था कि जल्द ही मैं पार्ट 2 बनाऊंगी और इसको अपने बालों में करके आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि इन सभी